तालाब में नहाने गए 20 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। आपको बता दें कि बुधवार की शाम करीब 4 बजे थाना ताजगंज क्षेत्र गांव रजरई में उस समय अफरा तफरी मच गई जब तालाब में नहाने गया 20 वर्षीय साहिल पुत्र करतार अचानक से पानी में डूब गया। सूचना पर दौड़ी क्षेत्रीय पुलिस, काफ़ी देर तक रेस्क्यू चलाया गया। इस दौरान तालाब के किनारों पर बेहद भीड़ जमा हो गई। वहीं महिलाओं और पुरुषों में घटना से भारी आक्रोश था। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद तालाब में डूबे युवक को ढूंढने में पुलिस सफल हो गई। आनन फानन में साहिल को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। साहिल की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। परिवारी जनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल, देखिए एक रिपोर्ट। लड़का के रोए जब से अभी कोई सुनाई नहीं हो रही है। पुलिस पे भी फोन कर दिया, सब कुछ कर दिया, पब्लिक हो रही है पर किसी की मत नहीं रही है। तो काय के लिए पुलिस कर रही है? कितने घंटे? 2 घंटे हो चले और बल्कि 2.5 घंटा हो गया। 3 बजे से पानी भर रहा है, अकेला एक लड़का। ना कोई कभी पोखर सूखी जाए, न कभी पोखर में पोखर पानी साफ नहीं करी है। पूरे नालंदा टाउन तक का पानी आ रहा है। ये हमारी आजूबाजू एक ही लड़का है बस, मेरा वो आ जाना चाहिए। मेरा नाती है, हाँ मेरा नाती है जो उसमें जो वो आना चाहिए बस। कैसे ढूंढो बस, कैसे ढूंढो? ये रोड जाम कर देंगे। पुरुष वालों का बच्चा हो जाए तो बोले ऐसी बात होती है नहीं। कंडीशन में आप जो कितनी टाइम हो गई, चार आदमी आ गए दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं पुलिस वाले जवाब पूछिए, पुलिस वाले क्यों नहीं खाने पे कर रहे, समझ लो। कम से कम सुनाई तो होनी चाहिए भाई साहब, कितनी टाइम हो गई तुम बताओ, बताइए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इसकी? अब 6 घंटा हो गए भैया, आप तुम ने जाओ घंटा हो गए बच्चा गिरे, अब उन्होंने कहा था जिंदा न करे आते जाते, अभी कोई कूदा तो लग नहीं है, कैसे बच्चा जिंदा आवेगा? क्या नाम है लड़के का? साहिल। साहिल घंटा प्रेस अभी कर रहे, रोड जाम कर रहे। हां साहिल है, साहिल साहिल हां 4 घंटा हो गए जाते, अब उन्होंने कहा था अब बच्चा जिंदा न करे आवे तो मारो। हां कोई सुनाई ना आ रही है।